वेलकम एवरीवन। हमारा जो आज का आईओटी सब्जेक्ट का जो प्रैक्टिकल है वो है आपका इंटरफेसिंग ऑफ बटन विद एलईडी विद इन आर्डिनो। तो आर्डिनो की हेल्प से हम बटन और एलईडी को कैसे इंटरफेस करेंगे, तो ये हमें इसमें बनाना है। मींस बटन को पुश करने पर ही एलईडी ऑन होगी। इससे पहले जो हमने जस्ट किया था कि एलईडी कैसे इंटरफेस हो रही है विद द हेल्प ऑफ आर्डिनो, तो यहाँ पे हम जैसे बटन को प्रेस कर रहे हैं तभी आपकी एलईडी ऑन हो रही है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें हमें क्या क्या सामान चाहिएगा। इसके लिए हमको जो सामान चाहिएगा वो पहले आपका आर्डिनो बोर्ड, यूनो या कोई दूसरा भी ले सकते हैं आप। ठीक है, तो दूसरा आपका आइटम चाहिएगा आपको मोमेंट्री स्विच, मोमेंट्री बटन या स्विच, ये पुश बटन होता है। तीसरा आपका एक रेजिस्टेंस चाहिएगा 10 किलो ओम का, कुछ हुकअप वायर्स और ब्रेडबोर्ड और पावर सप्लाई। ठीक है, तो ये आपका है जो उसके लिए हमें आइटम की जरूरत पड़ेगी। हम इसके बाद जो सर्किट डायग्राम है इसका कुछ इस तरह से रहेगा कि आपका एक पिन आप कनेक्ट करेंगे आपका बटन के एक पॉइंट पर और उस बटन को आपको रेजिस्टेंस के थ्रू ग्राउंड पर कनेक्ट कर देंगे। दूसरा आपका रहेगा कि दूसरा बटन जो रहेगा आपका, इसका ये रहेगा आपका डायरेक्ट इस पर कनेक्ट कर देंगे हम पावर पर 5 वोल्ट पर, और एक एलईडी लगा देंगे जो कि आपका किसी भी एक पॉइंट से डिजिटल आउटपुट से इंटरफेस कर देंगे। इसको हम टिंकर कैड बनाएंगे और ये आपका कुछ इस तरह का डायग्राम रहेगा इसका, और ये इसका कुछ प्रोग्राम लिखेंगे हम इस तरह से, ये कोड इसमें कॉपी करके जब इसको रन करेंगे तो प्रोग्राम आपका रन हो जाएगा। तो इसको हम टिंकर कैड पर बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हम गूगल क्रोम में जाएंगे और वहाँ पर अपना tinker.com ओपन करेंगे और इस पर अपना create new ये आपका सर्किट में जाएंगे पहले तो, और यहाँ पर create new circuit। थोड़ा स्लो है इंटरनेट, और जैसे ही यहाँ पर ओपन होगा हम एक एक आइटम को उठाएंगे पहले। तो ये हमारा ओपन हो चुका है डैशबोर्ड जहाँ पर हमको इसको बनाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सर्च करेंगे आर्डिनो, जो ये कंपोनेंट्स हैं इसमें से हम आर्डिनो लेंगे सबसे पहले। ये आपका आर्डिनो यूनो बोर्ड है, इसको हम सबसे पहले इसको हमने ले लिया यहाँ पे। फिर हमें लेना है ब्रेडबोर्ड, ये हमने ब्रेडबोर्ड ले लिया यहाँ पे। तीसरा जो हमें चाहिएगा वो एक एलईडी चाहिएगी, ये हमने एलईडी ली है जिसको हमें ऑन करना है, और एक हमें रजिस्टर चाहिएगा जो हमने अभी बात की थी, ये हमें आपका 10 किलो ओम का रजिस्टर चाहिएगा, और एक पुश बटन। ये पुश बटन को मैंने यहाँ पर इसको लगा दिया है। तो अब हमें इसे कनेक्शंस करने हैं। तो कनेक्शन में सबसे पहले क्या करना है हमको कि जो ये कोई भी पिन, एक डिजिटल पिन आप एलईडी के पॉजिटिव पर कनेक्ट करेंगे। ओके, ये यहाँ पर मैंने लिया कनेक्शंस और एलईडी का पॉजिटिव में जो एनोड होता है जो कि बड़ी पिन होती है उसमें मैंने कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, और इसको डायरेक्ट आप जो 5 वोल्ट है इससे पहले आप क्या करेंगे, 5 वोल्ट को आप इसमें कनेक्ट कर देंगे और 3.3 वोल्ट ग्राउंड को आप दूसरी पिन पर कनेक्ट कर देंगे। मीन्स यहाँ से आप ग्राउंड और वीसीसी डायरेक्ट ले सकते हो। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम इस पिन को, जो आपका एलईडी है, एलईडी का जो दूसरा पोर्ट है आपका कैथोड, इसको आप डायरेक्ट ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। ये मैंने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि
उसके बाद हमें क्या करना है कि जो कोई दूसरा एक पिन लेंगे हम, मैं ले रहा हूँ पिन नंबर 2, वो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ जो बटन है पुश बटन उसके एक टर्मिनल से, इस वाले टर्मिनल से मैंने कनेक्ट कर दिया है। ये टर्मिनल आपस में शॉर्ट हो गए हैं, और दूसरा टर्मिनल जो है ये मैं कनेक्ट कर रहा हूँ डायरेक्ट 5 वोल्ट से, ये 3.3 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया तब भी चल जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो रजिस्टर है, ये जो पिन है यहाँ पर पॉइंट जहाँ से लिया है आपने बटन, इसी पिन से आप रजिस्टर कनेक्ट करेंगे एक टर्मिनल रजिस्टर का, और दूसरा टर्मिनल जो है वो आप उठाएंगे और कनेक्ट कर देंगे ग्राउंड से। तो ये मेरा सर्किट आपका तैयार हो गया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा सर्किट पूरा तैयार हो गया है। अब सर्किट तैयार होने के बाद इसमें हम कोड लिखेंगे, ठीक है। तो कोड के लिए हम यहाँ पे जाएंगे और हम जैसे कि टेस्ट में लिखना शुरू स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हम, ये एक्चुअली इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपका एलईडी इंटरफेसिंग का प्रोग्राम होता है, लेकिन उसका कोड आपको पूरा राइट करना पड़ेगा। तो मैं इसको यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ जो आपके नोट्स में दिया गया था उसको, ठीक है। तो इसको आप एक बार देख लीजिए आप, इसमें क्या है, इसमें क्या है कि आपका अपने बटन जो है वो आपने डिफाइन कर दिया पहले ही 2 पर, ये आपका बटन का इंटरफेसिंग आपने 2 पर डिफाइन कर दिया है, और जो एलईडी का इनपुट है वो आपने, एलईडी जो पिन है वो आपने डिफाइन कर 13 पे। तो मैंने एलईडी को 13 पे पहले से किया हुआ है और इसको मैंने 2 पे, आप इसको अगर चेंज करते हैं 2 से किसी और पिन पे ले जाते हैं तो आप यहाँ पर अकॉर्डिंगली, अगर बटन पिन आप चेंज कर रहे हो तो बटन पिन भी आपको प्रोग्राम में भी चेंज करनी होगी, अगर आप एलईडी पिन चेंज कर रहे हो तो भी आपको यहाँ पर प्रोग्राम में आपको इसको चेंज करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जो आपका बटन स्टेट है इसको आपने इनिशियली 0 डिफाइन कर दिया है, और यहाँ पर आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया, और पिन मोड आपने लिया है कि एलईडी पिन पे आपका आउटपुट रहेगा और बटन पिन आपका इनपुट दोगे, यहाँ पे ये अपन डिफाइन कर दिया है। यहाँ पे आप लूप स्टार्ट किया, लूप में बटन स्टेट जो रहेगी वो डिजिटल रीड बटन पिन रहेगी, है ना, बटन पिन को रीड करेगा। अगर बटन पिन आपका हाई होगा, इफ़ बटन स्टेट इज़ हाई, तो एलईडी आपका ऑन हो जाएगा, अदरवाइज ऑफ हो जाएगा। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम है। अब हम इसको देख लेते हैं कि क्या हमारा ये स्टिमुलेट करके कि क्या प्रोग्राम रन कर रहा है। तो उसके लिए हम ये यहाँ पर जाएंगे, कोड को हाइड करेंगे और स्टार्ट सिमुलेशन, यहाँ पर इसको हम स्टार्ट करेंगे। ये आपका सिमुलेशन स्टार्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इस बटन को प्रेस करके देखेंगे, ठीक है। अगर बटन प्रेस करने से हमारा एलईडी ऑन हो गया तो हमारा ये इंटरफेसिंग कंप्लीट। अब देखते हैं, मैंने प्रेस किया, ऑलरेडी हमारा ऑन हो गया है, ठीक है। इसको मैंने बटन को फिर से छोड़ा, फिर से एलईडी ऑफ हो गया, और फिर से बटन को प्रेस किया, फिर से एलईडी आपका ऑन हो गया है। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं प्रोग्राम में कि और क्या हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि फिर से वापस कोड में जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर आपका बटन स्टेट 0 सेट किया था, अब इसको हम थोड़ा स्टार्टिंग में 1 सेट करते हैं। मींस क्या रहेगा कि अब आपका स्टार्टिंग में ही जब हम सिमुलेट करेंगे तो एलईडी ऑन हो जाएगी, ठीक है। अब एलईडी यहाँ पर ऑन रहेगी तो हमें थोड़ा सा प्रोग्राम यहाँ पे चेंज करना होगा कि जब बटन स्टेट आपका हाई होगा तो एलईडी पिन क्या हो जाएगी, लो हो जानी चाहिए। मींस हम क्या करेंगे, इसको प्रोग्राम थोड़ा सा हमने पूरा बदलाव कर दिया है प्रोग्राम में, और एलईडी आपका ऑफ हो जाएगी अदरवाइज, है ना, सॉरी हाई हाई रह जाएगी, है ना। तो ये प्रोग्राम में थोड़ा सा बदलाव किया हमने, मींस इसमें क्या किया, थोड़ा सा ये क्या किया गया कि जब अभी क्या कर रहे थे हम कि बटन प्रेस करने पे आपकी एलईडी ऑन हो जा रही थी, अब इसका जस्ट उल्टा होना है कि आपका एलईडी ऑन रहेगी और जैसे ही आप बटन प्रेस करेंगे तो एलईडी आपकी ऑफ हो जानी चाहिए। तो इसको हम सिमुलेट करके देखते हैं। यहाँ पर आप इसको सिमुलेट करेंगे, थोड़ा सा कोड साइड में ले जाके स्टार्ट सिमुलेशन, तो आपका एलईडी देखिए ऑन हो गया है, एलईडी है ना, ये एलईडी आपका ऑन हो गया है। अब हम क्या करेंगे, बटन प्रेस करेंगे तो एलईडी हमारा ऑफ हो जाना चाहिए, ऑफ हो गया, बटन प्रेस किया तो एलईडी ऑफ ऑफ हो गया, बटन छोड़ा एलईडी ऑन हो गया। तो इस तरह से आपका ये एलईडी और बटन के साथ इंटरफेसिंग विद द हेल्प ऑफ आर्डिनो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।